ये टमाटर और आलू के सालन के लिए पेस्ट है, जिसमें 3 पोथी लहसुन और 3 बड़े टमाटर और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज इस्तेमाल हुए हैं। प्याज को बारीक काट कर उसको फ्राई कर लिया गया है हल्के सुनहरी कलर में। उसके बाद उसमें लहसुन को हल्का सा फ्राई किया गया और उसके बाद टमाटर डाल के उसको पेस्ट बना लिया गया। इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून पिसा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून भून लें। अंदाजन इसमें 1/4 कप ऑयल डालें। और इसको दरमियानी आंच पर मसाले को भूनें। मसाले को अच्छी तरह से भूनना है ताकि मिर्चें वगैरह भून जाएं। मसाले को दरमियानी आंच पर भूने ताकि इसमें ये जले वगैरह ना। मसाला भून चुका है, देखें ये ऑयल छूट गया, मसाले की खुशबू भी आ गई, ग्रेवी अब भून चुकी है। इसमें अब इसमें 1/2 किलो आलू क्यूब्स में काट के, लेकिन बहुत छोटे क्यूब ना हो क्योंकि ये शोरबे वाला सालन बनेगा। दिस इज फ्रॉम फनी वर्ड चैनल। अब आलू को अच्छी तरह से भून लें, लेकिन इतना ना भूनें कि इनकी रंगत खराब हो। ये रेसिपी आपको फनी वर्ड चैनल की तरफ से बताई जा रही है। आलू भून रहे हैं और इनमें तकरीबन 5 हरी मिर्चें भी डाल दें साबुत, ताकि कुछ खुशबू आए इनकी। ये रवायती सालन है आलू और मटर का, जो कि हमारे पंजाब के इलाकों में खाया जाता है तंदूरी रोटी के साथ। अब इसमें मटर डालते हैं। 1/2 किलो मटर के दाने हैं तकरीबन। मटर अच्छे होने चाहिए, ताज़ा ताज़ा से, बहुत बासी से मटर से अच्छा सालन नहीं बनता। सब्जी को हमेशा अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए ताकि उसमें कोई मिट्टी वगैरह ना हो। हम इसको तकरीबन 5 मिनट भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना ताकि मटर का कलर ख़राब ना हो और वो ग्रीन ग्रीन कलर में।
मटर को तकरीबन 10 मिनट हमने भुना है, और अब मटर भून चुके हैं, ऑयल अलग हो चुका है और खुशबू भी आ रही है मटर के भुनने की। इनकी रंगत देख लें, रंगत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, इससे ज़्यादा इनको नहीं भूनना। अब हम इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डालते हैं। और इसको पकने के लिए रखेंगे, ये मटर गल जाएंगे, 15-20 मिनट हम इसको उबलने देंगे, उसके बाद आलू भी गल जाएंगे तो हमारा सालन तैयार हो जाएगा। सालन तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला छिड़क देंगे पिसा हुआ, और इसको कुछ देर के लिए दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इसके इंग्रेडिएंट्स आप दोबारा से नोट कर लें। इसमें तकरीबन 2 दरमियानी प्याज को ऑयल में 1 कप ऑयल में फ्राई किया गया है। उसके बाद इसमें तकरीबन 3 पोथी लहसुन को लहसुन का पेस्ट डाला गया है, और तकरीबन 3 बड़े टमाटर डाल के इसका पेस्ट बनाया गया है। फिर इसकी ग्रेवी को अच्छी तरह से भुना गया, और इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल किया गया और इसको भुना गया। फिर इसमें हमने तकरीबन 1/2 किलो आलू और 1/2 किलो मटर के दाने डाल के इसको भुना है दोबारा से, और 3 गिलास पानी डाल के इसका शोरबा बनाया है। ये तकरीबन 4 से 6 आदमियों के लिए है, तंदूरी रोटी के साथ मटर आलू का रवायती शोरबा सालन। सालन तैयार हो चुका है और उसने अपनी खुशबू भी छोड़ दी है।